केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। ऐसे में राज्य सरकारें अपने अपने बॉर्डर पर अस्थायी शेल्टर होम बनाकर मजदूरों को रोक रही हैं, लेकिन ऐसे में मजदूरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। एमपी यूपी बॉर्डर पर भूख से बेहाल मजदूरों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने भूखे और बेबस मजदूरों पर लाठीचार्ज कर दिया। केंद्र सरकार के आदेश के बाद रीवा के चाकघाट बॉर्डर पर पुलिस ने पलायन कर रहे मजदूरों को रोकना शुरू किया। देखते ही देखते यहां हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। इतनी भीड़ के लिए प्रशासन भी तैयार नहीं था। ऐसे में खाने की मांग करते हुए मजदूरों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हालात को संभालने के लिए एसपी आबिद खान भी मौके पर पहुंचे, लेकिन ये भी मजदूरों को कोरे वादों की खुराक देकर निकल गए। लेकिन जब रात 11 बजे तक मजदूरों को खाना नहीं मिला तो मजदूरों ने हंगामा शुरू कर दिया, हाईवे जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बुलाई गई और फिर पुलिस ने भूखे मजदूरों पर लाठीचार्ज किया।